मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 महीने तक इन्होंने एफआईआर तक तो करी नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी करने नहीं दे रहे थे, कहते सीबीआई आएगी तो क्वारंटाइन कर देंगे, जो भी पूछताछ करने आ रहा था ये कह रहे थे क्वारंटाइन कर देंगे, अब सीबीआई आई है, सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, सीबीआई ने 2-3 दिन में ही खुलासा करना शुरू कर दिया और अब ड्रग पेडलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, उनसे इंक्वायरी करने शुरू कर दी, गौरव आ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत, इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, कुछ भी नहीं किया 2 महीने इन्होंने, धनराज वंजारी जवाब दिया, कुछ भी नहीं किया ना, और अब जब इंक्वायरी हो रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। धनराज वंजारी साहब एसीपी है मुंबई पुलिस के रिटायर्ड, अच्छा वो जुड़े नहीं है, चलिए सावंत जी जवाब दीजिए। समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में जो गुत्थी थी, आप ही के चैनल ने बताया कि सीबीआई ने कहा है कि उसका मृत्यु जो है वो सुसाइड है, उनको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है, इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले। जहां तक बात है फिर ड्रग कनेक्शन की, ये कनेक्शन और बॉलीवुड का नाता अलग है, ये केस क्या इससे जुड़ा है? मैं बिल्कुल मानती नहीं हूं कि ये सुसाइड है, नहीं वहां पे कोई एविडेंस नहीं था, जिस तरह से बताएंगे मानवी जी, मैं तो खुद अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मानवी जी, सुनिए बात को, ये तो आपके चैनल बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमें कोई लेना देना नहीं, अभी सीबीआई जांच करे, सत्य के सत्य विचार करे, किस तरह से चिल्ला रही है मानवी जी, हमारा कोई संबंध नहीं इससे, हमारा मानवी जी सुनिए तो सही, सीबीआई चिल्ला रही है, सभी बोल जाएगी आपको, 2017 की चैट है, इससे पहले रिया ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब रिया को पता लगा कि उसके नाम पे संबंध इश्यू होने वाले हैं, वो फट से बोल पड़ी कि मैं नहीं लेती थी ड्रग्स, सुशांत लेता था ड्रग्स, श्रुति मोदी का भी यही सीन हुआ, सीधा उसके वकील ने बोला कि श्रुति मोदी को ड्रग्स नहीं लेती थी, जबकि श्रुति मोदी एक चैट ग्रुप में थी, ड्रग्स लेना और ड्रग्स को सप्लाई होते हुए देखना इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, उससे क्यों नहीं बताया, उससे क्यों नहीं बताया श्रुति मोदी ने, जब ड्रग्स चैट में एड हुई हुई है, तो ये आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना, अब सीबीआई क्या सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, सुनो बात को, ईडी का कोई तरह से ईडी की इंक्वायरी हुई उसके बारे में कुछ नहीं निकला, सीबीआई ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं की है, ये क्यों नहीं की इसका जवाब पूछना चाहिए हम लोगों को। तीसरा चीज बात है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अभी लाया गया है, इसके बारे में कानून देख लीजिए कि अगर आपके पास अगर ड्रग नहीं है, देखो रिया किस तरह से फायदा उठा रही है, जिस तरह से जो जो चीजें सामने लेके आ रही है, लीक की जा रही है, उसका फायदा ऐसे गुनहगारों को मिल रहा है जो उसमें साजिश में शामिल हो सकते हैं। एक एक करके प्लीज, मैं रमन अम्मा को एक बार आना चाहती हूँ, इसलिए रमन अम्मा रमन अम्मा ये सच है, नहीं मिला ये सच है कि सीबीआई ने अभी तक जिस तरह से वो आगे जांच ले जा रही है, एक सेकंड सर, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सीधे शौविक के संपर्क में रहे 2 पेडलर्स को पकड़ना, जैद और बासित हम दोनों का दिखा रहे, चेहरा भी दिखा रहे हैं, उनके चेहरे और उनकी तस्वीर दिखाइए। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई वाकई जैसा कि दावा कर रही है रिया चक्रवर्ती कि मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज चल रहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए ड्रग्स का भी इंतजाम करना, और वो भी शौविक चक्रवर्ती, अगर इसी साल 17 मार्च को ड्रग्स की डिलीवरी हुई है सैमुअल मिरांडा को, जो कि शौविक के बेहस पर गया था ड्रग्स कलेक्ट करने, ये क्या बताता है? क्या किसी ऐसे पेशेंट को ड्रग्स भी साथ में देना एक जबरदस्त खिलवाड़ नहीं है उसकी सेहत के साथ? बिल्कुल, अगर एक बंदा लाइक दोनों स्टेटमेंट्स जो है बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था और दूसरी तरफ से वो कह रहे हो कि वो ड्रग्स में अरेंज है, तो ये टोटली एक हैम्परिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एंड डेफिनेटली जब एक इंसान इतने डिप्रेशन में है तो वो इंटेंशनली तो ड्रग्स में जाएगा ही नहीं, तो डेफिनेटली एक प्रॉबेबली एक सेटअप एजेंडा हो सकता है व्हाट वी कैन से, बिकॉज वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे प्रॉबेबली, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज ये ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।